दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डो रेडी करेंगे। 1 कप सूजी ली है मैंने, 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। दही से इसका डो रेडी करेंगे हम। 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है मैंने। इसका डो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं गुनना है, इसलिए थोड़ा ऐड करेंगे पहले, जरूरत होगी तो हम बाद में इससे थोड़ा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून और दही ऐड करेंगे। इस तरह का डो चाहिए हमें। डो को हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। 1.5 कप मैंने शुगर ली है और 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे उसमें। 1 तार की चाशनी रेडी करनी है हमें। दस मिनट हो चुकी है, डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा ठीक रखेंगे इसे, बहुत पतला नहीं बेलना है। और इस तरह किसी भी डब्बी का ढक्कन ले लें और इसे प्रेस करते हुए इस तरह छोटी छोटी पूरियां इसके हम बना लेंगे। इस तरह कट कर लेंगे इसे, इतना ठीक रखना है हमें इसे। सारे हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। चाशनी हमारी रेडी है, इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसे दही बड़ों को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अगर आंच ज़्यादा लगे तो हम इसे फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसे अलट पलट कर इसी तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम ऑयल से निकाल के तुरंत ही शुगर सिरप में ऐड करेंगे। तुरंत शुगर सिरप में ऐड करने से इसमें अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब होगी। एक डिश में ले लेंगे इसे। दही बड़े हमारे रेडी है। इस रमजान इफ्तार में आप इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही मजेदार बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।